मैंने तारीख अनुसार सारी बात बता दी। इस षड्यंत्र में तीन लोग शामिल थे भाई, होली महाराज जी थम कथा सुनाया करो, हिरण्यकश्यप प्रहलाद भगत से परेशान हो, तो बोले हैं कि रान कैंकरा कटे तो होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में भी जलती नहीं, तो होलिका ने बोली भाई आने में गोदी में लेके बैठ जाऊं सु और यो जल जागो मन में जलन वरदान है। आज भी महाराज जय छोरा को ब्याह नहीं हो, 30 से ऊपर हो गए हो, तो बुजुर्ग आदमी यू कहते रहे राम जी आज चढ़ा ईद के डांडो तू पाड़ की ने जोड़ में गिरा, ये साल भीतर तेरे ब्याह यानी प्रहलाद को बचाना धर्म है और कर्म भी है भाई। मनोहर लाल के साथ अभय सिंह कंवर सिंह षड्यंत्र में शामिल थे, ये सरदारी चश्मदीद गवाह है। 22 फरवरी 2018 को राव इंद्रजीत ने सभा की, मैंने अध्यक्षता करी, मनोहर लाल ने बोलो आपको नहीं जाना मको मैं जरूर जाऊंगा। राव इंद्रजीत बीजेपी के नेता हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, या तो मेरे को समझा दो, मैंने बीजेपी चलाई है फिर उसके बाद मनोहर लाल की वह हुई, हम सारा सुन लिया। अभय सिंह बोलो हम जिले में तीन विधायक हैं, मैं सब अच्छे अच्छे फुट को चौकीदार तने दिखे नहीं, मनोहर लाल पगा खातर लगाए, उसने माफी साफी करी। सीताराम भी ने बोलो उप तहसील को जिक्रो और उप तहसील को जिक्रो खूब जोर से करो कि नहीं करो, मनोहर लाल राजी रहे बेराजी रहे। और मैंने काका हाँ वह कई घर की सामने फिर May 25, 2023 मनोहर लाल ने 19 मई को कहा भाई डोंगड़ा हीर में, मैंने डोंगड़ा हीर में मेरे भाई का घर है, मामन को जैसे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बढ़ा निकलते ही मैंने दोनों को फोन किया कि भाई मुख्यमंत्री को अशोक किया तेरा घर सड़क पर है, एन सारा ताबरिया रेवाड़ी भेज दिया सीमा में उल्ट बोल दो पूरे अपना भी है द्वारिया मतलब न्यू थोड़ी से कप्तान अपना द्वारिया की तो गया थोड़ी से, ये षड्यंत्रकारी उरे ही था अन्न उरे डोंगड़ा में या फैला दी के उप तहसील तो सीमा होकर मेयर कन वो हितेश यादव डीएसपी को फोन ले बोले जी यहाँ पर मैं आयो इसका प्रबंध किया। मतलब षड्यंत्र राव इंद्रजीत तो रामविलास को मारने का, अरे हमने इसका नाम मुख्यमंत्री के लिए हम पार्टी के अनुशासन में बंधे 26 अक्टूबर। अब थोड़ी सी उकचुक कर देता खेल तो बिखर जाता, पर भगवान ने हमको शक्ति दी है, इन संतों के चरणों में बैठ के संस्कार पाया है, आरती राव जितने अधिक वोटों से जीतेगी उतनी मेरी आत्मा को प्रसन्नता होगी। और पराने भी जो षड्यंत्र जिन्होंने किया
उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। 10 दिसंबर 2023 की जो रैली थी, आप लोगों के काम सुनने वाले यही विप्लव देव प्रभारी, यही नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष, मैंने क्या गुनाह किया, मैंने अपने इलाके की बात कही ना उनके साथ। मैंने कहा कि नहीं कहा आज कंवर सिंह पहलवान नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है। हमने चारों को मन का, हमने जेठ के सारे बेटियां नहीं जान रखी। बिल्कुल देखो जुर्मानो दौड़ा ही आपको भाई, सुदामा का टावरिया भूखा मरे, उनको छोटो भाई उन्हें सुदामा की घराली बैठा दी। अरे सड़ सारे दिन कन्हैया कन्हैया करते फिरे, ये टावरिया की आंत निकल दी, तेल साड़ी में 20 गांठ ला गई। महाराज जी हम तो बीमारी तो चला, तो घर को कलेश बहुत दूर हो भाई, ये परिवार नहीं नहीं महाराज जी। तो वीरवाणी में सुदामा कर बोलो के करो तेरी भक्ति को, ये टाबरिया भूखा मरता सोना। सुदामा ने बोले भाई मैं चले जाऊंगा विद्याधर, विद्याधर ने एक कविता बढ़िया पढ़ दी और वो लेगा कंस का दरबार पर कंस बोला ये मेरे दुश्मन को कौन आरामदादा ले आए, इसको तीसरी मंजिल उनका हाडुओ डॉक्टर। तो मेरा दिल को 55 साल आप खूब रखा जबरदस्त आपके साथ आप और पराने भी षड्यंत्रकारी उठने बचना बोता जिता मैंने तारीख अनुसार सारी बात बता दी। इस षड्यंत्र में 3 लोग शामिल थे भाई, होली महाराज जी थम कथा सुनाया करो, हिरण्यकश्यप प्रहलाद भगत से परेशान हो तो बोल रहे कि रात कैंकड़ा कटे, तो होली का को वरदान था कि वो अग्नि में भी जलती नहीं। तो होलिका ने बोली भाई आने में गोदी में लेके बैठ जाऊं तुम, और यो जल जागो मन में जलन वरदान है। आज भी महाराज जय छोरा को ब्याह नहीं हो, 30 से ऊपर हो गए हो, तो बुजुर्ग आदमी यू कहते रहे राम जवाब चढ़ा ईद के डांडो तू पाड़की ने जोड़ में गिर, ये साल भीतर तेरह ब्याह।